चीज में हम लोग बोलते हैं एक दो तीन, और लोग दौड़ने लगते हैं या भागने लगते हैं या किताब पढ़ने लगते हैं या चुप हो जाते हैं। तो मैंने सोचा तीन ठीक है। कम से कम आज एक कांटे की टक्कर की उम्मीद थी, पर भारत 47 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। दोस्तों, अजय देवगन की मच अवटेटेड स्पोर्ट ड्रामा मैदान काफी समय से चर्चाओं में छाई हुई है। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, ये फिल्म लगातार सुर्खियां बटोर रही है। मूवी में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच थे। वहीं रिलीज के बाद से ये फिल्म लगातार सुर्खियों में तो है ही, बल्कि इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक से लेकर सेलिब्स तक सब ने इस फिल्म की तारीफ की है। और अब इस फिल्म को देखने के बाद बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है। अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि जैसे बचपन में हम फुटबॉल खेलने के शौकीन हुआ करते थे और हमें फुटबॉल खेलना काफी पसंद भी था, और अब इस फिल्म को देखने के बाद तो अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई है। फिल्म सैयद अब्दुल रहीम पर आधारित है, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कोच हुआ करते थे। इस फिल्म में अजय देवगन का किरदार ने मुझे अपना मुरीद बना लिया है। देखा जाए तो फिल्म की कास्टिंग को या फिर फिल्म की स्क्रिप्टिंग, सभी चीज एकदम नेक्स्ट लेवल की है। सबसे ज्यादा लुभाने वाला अजय देवगन के किरदार ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया है वो काबिल तारीफ है। फिल्म को मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से फिल्म मैदान को देखने के बाद अब बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने भी अपना कड़क रिएक्शन दे दिया है। वैसे दोस्तों, आप सभी अमिताभ बच्चन के इस रिएक्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।